तो पिछले वाले वीडियो में हम गए थे नेदर और वहाँ जाकर मैंने की थी ढेर सारा एक्सप्लोजन और उसे कर मुझे मिले थे ढेर सारे एंशियंट डबरीज और ओरमल में आकर मैंने उनको स्मेल्ट किया और उनसे बनाया अपने लिए फुल्ली नेदराइट आर्मर। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाकर देखो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले है उसे फुल्ली एंशियंट वो भी ओपी आर्मर। अबे वीडियो की टॉपिक क्या है और तूने थंबनेल की टॉपिक का लगाया है, तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं? लोगों को क्या उल्लू बना रहा है क्या तू? अबे गोटा तू चुप, और तेरे ये आवाज को क्या हुआ आज? तो चलो इसे छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें अपने आर्मर के लिए कौन कौन से एंशियंट में लगाने हैं। तो अपने हेलमेट के लिए है रेस्पिरेशन 3 और एक्वाइटमिलिटी 1 और उसके साथ प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मेंडिंग सब सेम अपने पूरे आर्मर के लिए, और उसके साथ थॉर्न्स भी तुम लगा सकते हो और लेगिंग के लिए भी सेम। फिर उसके साथ आएगी बूट्स के लिए एक्स्ट्रा है अपने डेप्थ स्ट्राइडर 3 और फेदर फॉलिंग 3। और हाँ, लेगिंग के लिए एक एक्स्ट्रा एंशियंट में है जो कि है स्विफ्ट स्नीक 3। क्या ही नाम रखा है इन मोजंग वालों ने। चलो छोड़ो हमें क्या है, तो चलो देखते हैं हम अपने आर्मर को पहन कर कैसे लगते हैं हम। नेदरराइट आर्मर पहनने के बाद कुछ अलग ही फील होता है, जैसे कि हम बड़े पावरफुल हो चुके। और हाँ, और एक चीज तुम्हें दिखाने जो कि है ये कैप, मैंने खुद से बनाई, कैसी लगी जरा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, 10 में से इसके लिए कितने पॉइंट दोगे तुम कमेंट में जरूर बताना। और ये अगला छोटा सा रिप्ले शॉट जरूर से देखना, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कुछ ज़्यादा ही छोटा था ना। और हाँ, इससे अच्छा वाला भी शॉट मैंने अपलोड किया है, वो भी इंस्टा पर, जाओ जाकर फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर जो कि है रेड फार्म, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया बट मैंने बहुत सारी बकवास कर दी। तो कोई नहीं, चलो बढ़ते बनाते एक अच्छा सा रेड फार्म। तो अगर तुमने हमारे सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा तो तुम्हें पता ही होगा हमें मिला था पहले एपिसोड में ये पिलेजर आउटपोस्ट। तो चलो बनाते हैं अपने रेड फार्म को। तो यहाँ आते ही तुम्हें एक काम करना है जो कि है सारे पिलेजर को किल करना, क्योंकि अगर कोई भी पिलेजर वहाँ पर बचेगा तो वापस से और कोई वहाँ पर स्पॉन नहीं होगा, जिससे तुम्हें फार्म बनाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए सबको किल कर दो। और हाँ, तुम्हें कुछ इस तरह के नमूने भी मिलेंगे जो कि अपने आउटपोस्ट को छोड़कर दूर जाकर चिल कर रहे होंगे, तो जाकर उन्हें भी किल कर दो, नहीं तो वापस से वहाँ पर कोई स्पॉन नहीं होगा। तो ये सब कुछ होने के बाद तुम्हें आना है आउटपोस्ट के टॉप फ्लोर पर, और वहाँ पर आने के बाद इनका स्पॉनिंग पॉइंट ढूंढना है। तो उसके लिए मेनली हमें लगते हैं ग्लास पेन, बट उनकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनका स्पॉनिंग पॉइंट ये वाला ब्लॉक होता है जो स्टेयर के साइड वाला ब्लॉक। वैसे भी तुम कंफर्म करने के लिए इस तरह से ग्लास फेन लगा सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम करना होता हो तो कर सकते हो। तो ये सब कुछ होने के बाद तुम्हें आउटपोस्ट से कुछ दूर आना है और पिलेजर के स्पॉन होने का वेट करना है। A few inches later. तुम सब सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ को जैसा, मेरा खत्म हुआ था फूड और मैं लेने के लिए यहाँ आया, और जैसे मैं यहाँ अपने ट्रेनिंग हॉल के पास आया तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई रेड, क्योंकि हमारे पास था बैडमैन का इफेक्ट। वैसे इस रेड में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, बट इस बड़े युद्ध में हमारा साथ देते हुए दो हमारे वफादार साथी गोलम भैया शहीद हो गए, रेस्ट इन पीस गोलम भैया। तो चलो चलते अपने रेड फार्म की तरफ। ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर पिलेजर स्पॉन हो चुके हैं, और जो ब्लॉक मैंने बताया था वहीं पर स्पॉन हुए हैं, तो देख सकते हो ये वाला ब्लॉक। और वापस से तुम्हें दिखाने के लिए मैं एक बार दूर जाकर दिखाता हूँ यहाँ पर ही स्पॉन होते हैं या पर नहीं। चलो चलते। A few inches later. ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर पिलेजर स्पॉन हो चुके हैं जिस ब्लॉक पर हमने बताया था उसी ब्लॉक पर। तो अभी हमें यहाँ पर इसका किलिंग चैम्बर बनाना है। तो इसका किलिंग चैम्बर बनाना है हमें नॉर्थ और वेस्ट साइड को। तो अभी तुम बोलोगे भाई नॉर्थ और वेस्ट साइड कैसे पता करें, तो कोई नहीं बताऊंगा मैं, वेट करो। तो देखो, नॉर्थ एंड साउथ ढूंढने के लिए तुम्हें करना क्या है, एक क्राफ्टिंग टेबल लेने और उसे प्लेस करना है, और जिस साइड को ये दो टूल दिख रहे हैं ना उस साइड को एक लीवर लेना है और उस साइड को लीवर को लगाना है कुछ इस तरह से, और लीवर का फेस मतलब जो ये सामने वाली डंडी उस जगह, तो उसके अपोजिट साइड को जो साइड होती है वो होती है नॉर्थ। ओके, तो अपने को नॉर्थ वाली साइड पता चल गई है, तो अभी वेस्ट वाली साइड ये वाली होती है। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पर किलिंग चैम्बर बनाना है। तो वैसे ये वाला किलिंग चैम्बर जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा गलत है, मैं तुम्हें एंड में बताऊँगा इसे कैसे प्रॉपर बनाना है। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो किलिंग चैम्बर बनाने के बाद हमें आना है इसके छत के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद हमें सेंटर ढूंढना है, और सेंटर से 42 ब्लॉक हमें हाइट पर जाना है। तो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह से एक टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म बनाना है ताकि हम आगे का काम कर सके आराम से, और उसके बाद सॉलिड ब्लॉक लेना है और कुछ इस तरह से चार लगाने हैं। और हाँ, ये वाला जो आइडिया है बिल्ड का वो है साइलेंट विस्पर का, अगर तुम देखना चाहो तो जाकर वहाँ भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा नीचे आना है,
तो नीचे आकर कुछ इस तरह से लिप को लगाना है, देख लेना, ध्यान से देखना। तो कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म रेडी होगा, फिर किसी भी साइड के एक कॉर्नर में आना है और यहाँ पर एक लिप ब्लॉक लगाना है और उसको एक्सटेंड करते हुए कुछ इस तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद जिस साइड को एक्स्ट्रा लीव्स है उस साइड को एक ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरह से, और लीव की मदद से कुछ इस तरह से इसे एक्सटेंड कर लेना है। और उसके बाद उसे भी कवर कर लेना है ताकि वाटर फ्लो बाहर ना जाए। उसके बाद एक वाटर बकेट लेने और इस वाले कॉर्नर में लगा देने, तो कुछ इस तरह से फ्लो आएगा और यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा, तुम देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा सारा लूट गिरकर नीचे जाएगा जहाँ पर हम इसका कलेक्शन सिस्टम बनाने वाले हैं, वो हम एंड में बनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ पर हॉपर लगाकर पीएक्स से एक्सटेंड कर सकते हो, ये देखो कुछ इस तरह से लूट गिरेगी और नीचे जाएगी और वहाँ पर हम इसका हॉपर लगाकर कलेक्शन सिस्टम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर चार लीफ लगानी है, 1, 2, 3 और 4, और इसके आगे हमें 3x4 का एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो ये होने के बाद हमें कुछ स्लैब लगेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर इसके नीचे वाले साइड को स्लैब लगाने हैं कुछ इस तरह से, 4 स्लैब लगाने हैं, 2, 3, 4, और फिर इसके आगे इसके नीचे मतलब इस स्लैब के नीचे हमें एक सॉलिड ब्लॉक लगाना है, तो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, मैं लगा कर आता हूँ। तो ये होने के बाद हमें इस वाले एरिया को एक्सटेंड करना है और यहाँ पर हमें बनाना है 4x8 का एक प्लेटफॉर्म, तो मैं बना कर आता हूँ। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके साइड से कुछ इस तरह से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एक लाइन होने के बाद हमें इसके साइड में और एक लाइन बनानी है ताकि रेवेजर स्पॉन होने के बाद वो ग्लिच होकर एक वॉल के बाहर ना चले जाए। तो ये सब कुछ होने के बाद हमें करना क्या है, इसी वाले लाइन को मतलब ये दोनों लाइन को 5 ब्लॉक हाइट पर एक्सटेंड करना है। तो चलो करते। उसके बाद कुछ इस तरह से तुम्हारा चैम्बर रेडी होगा। फिर हमें यहाँ पर वाटर फ्लो बनाना है ताकि सारे पिलेजर स्पॉन होने के बाद एक ही जगह पर आए। तो यहाँ पर चारों भी ब्लॉक में हमें पानी को डालना है, तो मैं डाल देता हूँ, देखो। और एक हमें शायद से यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते और यहाँ से यहाँ पर, ओके। तो ये हो चुका है। तो उसके बाद हमें कुछ साइन बोर्ड लगेंगे, तो साइन बोर्ड लेने के बाद कुछ यहाँ पर इस तरह से साइन बोर्ड को लगाना है, टोटल 4 साइन बोर्ड लगेंगे। तो यहाँ साइन बोर्ड लगाने के बाद हमें आगे आना है और जो हमने लीफ लगाने उसके सामने को कुछ इस तरह से साइन बोर्ड को लगाना है, ठीक है। चार यहाँ पर भी 4 साइन बोर्ड लगेंगे, ठीक इसके आगे वाले ब्लॉक में भी साइन बोर्ड आएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी 4 साइन बोर्ड आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 2 वाटर बकेट लगेंगे, तो वाटर बकेट लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक वाटर बकेट लगानी है कुछ इस तरह से, इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में, ठीक है। तो देखो जैसे ही पिलेजर यहाँ पर स्पॉन हो गए तो यहाँ से बहकर सीधे यहाँ पर आएंगे, वेट, हाँ। तो यहाँ आने के बाद इसे ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ पर किलिंग चैम्बर में किल हो जाएंगे। और हाँ, इसके सामने कुछ इस तरह से हमें ग्लास ब्लॉक लगाने और हाँ इसके अंदर भी लगाने कुछ इस तरह से, जहाँ पर हमने साइन बोर्ड लगाए उसके ऊपर ठीक कुछ इस तरह से ग्लास ब्लॉक लगाने, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद हमें ऊपर आना है और यहाँ पर जो ये वाला साइड है इसे 3 ब्लॉक छोड़कर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींचने, ठीक है। और इसके बाद बाकी सारे एरिया को हमें लीव से कवर कर लेना है। तो लीव लगाकर होने के बाद कुछ इस तरह से तुम्हारा प्लेटफॉर्म रेडी होगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सेंटर में आना है और यहाँ पर 5 लीव कुछ इस तरह से लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं रेवेजर को किल करने के लिए लावा लगाने वाले, ठीक है। तो उसके बाद इसके नीचे आना है और नीचे आकर हमें यहाँ पर ग्लास ब्लॉक लगाने हैं, ठीक उस लीव ब्लॉक के नीचे। उसके बाद हमें साइन बोर्ड लेने और कुछ इस तरह से साइन बोर्ड को लगाना है, ध्यान से देख लेना। तो साइन बोर्ड लगाकर होने के बाद उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से लावा को डालना है, तो जब भी लावा स्पॉन होगा तो यहाँ पर आकर वो लावा से किल हो जाएगा। उसके बाद सामने वाले ग्लास के ऊपर आना है और यहाँ के 4 ब्लॉक को माइन कर लेना है। उसके बाद हमें 2 पिस्टन लेने हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाने हैं। फिर उसके बाद रुको, ये वाली लीव्स तोड़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी ब्लॉक बचे उसके ऊपर सॉलिड ब्लॉक लगाकर उसके ऊपर लीव ब्लॉक लगा दो ताकि यहाँ पर कोई स्पॉन ना हो पाए। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 ब्लॉक लगाने हैं और फिर सामने वाले ब्लॉक पर एक रिपीटर को लगाना है, ठीक है। ये होने के बाद नीचे आना है और इसके सामने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टॉवर लगानी है,
ठीक है। उसके बाद एक सॉलिड ब्लॉक लगाना है और इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है और इसके ऊपर लगाना है हमें रेडस्टोन डस्ट को, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा ट्राइडेंट किलर ऑन हो चुका है और हम नीचे भी गिर सके हैं। ओके, तो पहले ऊपर चलते हैं और बाद में आगे काम करते हैं। तो अभी हमें चाहिए एक इम्पिलिंग फाइव वाला ट्राइडेंट, ताकि जो भी पिलेजर हो जल्दी से किल हो जाए, और उसके ऊपर हमें लगाने हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो लगभग हमारा पूरा फार्म बन चुका है। अभी हमें बस अपने विलेजर के लिए एक जगह बनानी है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर 6 ब्लॉक ऊपर जाना है और उसके बाद यहाँ पर 2 ब्लॉक एक्स्ट्रा आगे जाना है, ठीक है। और उसके ऊपर हमें लगाना है एक बेड को, उसके ऊपर बेड के ऊपर हमें लीक ब्लॉक लगाकर एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, मतलब चेंबर बना लेना है। उसके अंदर ही हम उस विलेजर को डालने वाले हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हमारे यहाँ पास में एक विलेज है, तो विलेजर लाने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस उसे ऊपर ला कर इसमें डालना ही है। तो चलो देखते क्या होता है। 3,000 years later. तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने इस विलेजर को यहाँ पर लाया है। तो चलो ले जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं आगे इसे कैसे ले जा सकते हैं ऊपर। तो जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने पूरे ऊपर तक क्राफ्ट होल्डिंग को लगाया और इसी की मदद से ही हम ऊपर जाने वाले। तो यहाँ पर मैं पानी डाल देता हूँ ताकि इनकेस ऊपर से गिर जाए तो मरमुरा ना जाए। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऊपर डाल देते ताकि ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं ऊपर और बस ये नीचे गिरकर मर ना जाए, नहीं तो वापस से हमें विलेज में जाकर लाना पड़ेगा। ओके, तो भाई साहब पहले ही अटेम्प्ट में हमने इसे ला दिया है ऊपर तक। तो ये वाली मेथड बेस्ट है इसे ऊपर लाने की, तुम जरूर से ट्राई करना। और चलो इसे इसके चैम्बर में डालते हैं और देखते हैं अपना फार्म वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो फार्म वार्म बनते रहेंगे। तो चलो आज के कमेंट लेते हैं। तो आज का पहला कमेंट है MCP mod OP, थैंक यू फॉर कमेंट ब्रो। और आज का दूसरा कमेंट है अर्जुन गेमर, थैंक यू फॉर कमेंट। ऐसे कमेंट करते रहो और मोटिवेट करते रहो। तो चलो चलते आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। तो फाइनली हमारा पूरा फार्म रेडी हो चुका है और उसके साथ ही हमने इसके ऊपर भी अपनी मुंडी बना चुके हैं, अपने नहीं मतलब पिलेजर की मुंडी बना ली है। तो पता नहीं ये बनाने में मुझे क्या मज़ा आता है, बट मज़ा ज़रूर आता है। और हाँ, इसकी मदद से हमारी वीडियो भी ज़रा यूनिक बन जाती है। आई गेस ऐसा कोई और MCP या फिर जावा में भी किसी ने नहीं किया होगा। तो तुम जरूर से बताना तुम्हें कैसी लगती है हमारी वीडियो। और हाँ, ऐसा किसी और ने भी किया होगा तो तुम जरूर से कमेंट में उसका नाम लिखना, हम भी देख ले कैसा कौन बनाता है क्या। तो ये रखो, ये रहा हमारा आउटपोस्ट, थोड़ा यूनिक बनाया है मैंने इसे, थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो ये रहा हमारा यहाँ पर इसका कलेक्शन सिस्टम भी है, वेट में दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका कलेक्शन सिस्टम। और जो ये वाला गैप है यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि सॉर्ड आर्मर और ये क्रॉसबो ये सब कुछ इसके अंदर डालते हैं। फिर इसके नीचे मैंने एक ड्रॉपर लगाया जो सारी आइटम को लावा में थ्रो कर देता है। इस लीवर को खींचने से सारे आइटम लावा में थ्रो हो जाते हैं और सब कुछ जल हो जाता है। तो जो भी मटेरियल हमें नहीं चाहिए वो यहाँ पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये देख सकते हो। तो इस वाले क्राफ्ट होल्डिंग से जब हम ऊपर आते हैं तो एक फ्लोर ऊपर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा सारा कलेक्शन सिस्टम, जहाँ से सब कुछ मटेरियल आकर इन हॉपर्स में जाता है और नीचे चेस्ट में कलेक्ट हो जाता है। और ये वाली साइड को जो ऊपर वाले फार्म से आता है वो इसमें गिरता है और यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। तो तुम देख सकते हो ये रहा छेद यहाँ से, और यहाँ से सब कुछ जो गिरता है वो डायरेक्ट आकर इस वाले हॉपर में जाता है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया। अभी तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ का किलिंग चेंबर। तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ध्यान से तुम देख लो, अगर समझना है तो मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ वॉइस ओवर करके इस गर्मी में। तुम्हारे यहाँ भी इतनी गर्मी है क्या, कमेंट में जरूर बताना। तो ये रहा यहाँ पर एक रेस्टोन क्लॉक। तो इस रेस्टोन क्लॉक से ये वाला पिस्टन चलता है और यहाँ पर है अपना इम्पिलिंग फायर वाला ट्राइडन जिससे ये प्लेजर किल होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ तुम देख ही लो। तो चलो थोड़ा दूर जाकर देखते पिलेजर स्पॉन होता है या नहीं, और तुम्हें एक रेड भी दिखा देते किस तरह वर्क करता है। ओके, तो ये देख सकते हो यहाँ पर पिलेजर का कैप्टन ही स्पॉन हो चुका है। तो ये वाले लीवर को क्लिक करते ही यहाँ पर ट्राइडन किलर ऑन हो जाएगा और अपने को मिल चुका है बैडमन का इफेक्ट। तो जैसे ही बैडमन का इफेक्ट मिलता है इस वाले लिफ्ट में जाना है और तुम डायरेक्ट चले जाओगे ऊपर तक, और यहाँ पर आकर इस वाले पिलेजर की नाक में खड़े होना है और उसके बाद इस वाले लीवर को ऑन कर लेना है। उसके बाद अपना ट्राइडेंट किलर ऑन हो जाएगा और उसी के साथ रेडर आना चालू हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं ऐप के। तो रेड हो चुके ख़त्म और हमें मिल चुका है एक वेक्टरी। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद तुम्हें यहाँ पर ट्राइडेंट किलर को ऑफ कर लेना है और जो भी XP है उसको ले लेना है और यहाँ से नीचे जाना है, कलेक्शन सिस्टम है।
ओके, तो इसी के साथ वीडियो हो चुकी है ख़त्म। और फाइनली फॉर्म कैसा लगा तुम्हें जरूर से बताना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, इस वीडियो को करो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अबे गोटा चल, पंखा लगा, अभी वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है।